बस्मिल्ला रमान रही नाजनी दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोराम नुक़ः नज़र हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजम जामी मेरे साथ मुशीफ तो फते है हैं रहमान शामी साहब शाम साहब सबसे अम खबर सबसे बड़ी खबर आज की कुलभूषण यादव के हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का ये एजेंट और हमारे इदारों के मुताबिक हाजिर सर्विस ये एजेंट था जो पकड़ा गया बुचिस्तान से इसे सजाए मौत सुनाई गई है आर्मी चीफ ने सजाय मौत की तोसी की है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन उनसठ और सीक्रेट एक्ट की शिक नंबर तीन के तहत मुकदमा चलाया गया है कुलभूषण यादव के खिलाफ ये, ये, ये सुनिए आपने कहा हाजिर सर्विस एजेंट एजेंट तो हाजिर सर्विस ही होता है <laughs> यानी हाजिर सर्विस फौजी फौजी अफसर था हाँ, ये नेवी का अफसर नेवी का हाजिर सर्विस नेवी का ऑफिसर हाँ। जो के रॉ के लिए काम कर रहा है हाँ, हमारे दावे के मुताबिक हमारे दावे तो रिपोर्ट ना देख लें कि ये कुलभूषण साहब कैसे दरियाफ्त हुए और क्या कर रहे थे यहाँ पर देखिए कलभूषण यादव को हसासे दारू ने 3 मार्च 2016 को बलुचि के इलाके मशकेल से गिरफ्तार किया था कलभूषण ने हुसैन मुबारक पटेल के नाम से जाली पासपोर्ट बनवा रखा था और पड़ोसी मुल्क ईरान के इलाके में कारोबारी फर्द की हैसियत से रहते हुए ज्वेलरी का कारोबार कर रहा था गिरफ्तारी के वक्त उसके पास ऐसी पाकिस्तान के मुख्लिफ इलाकों के नक्शे भी बरामद हुए और रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी के चंद रोज बाद ही उस वक्त विफाकी वजी इतलात परवेज रशीद और डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मुश्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की वीडियो जारी की जिसमे भारतीय जासूस ने बर्मला इस बात का एतराफ किया की कि वो भारतीय एजेंट है और रॉ के लिए काम कर रहा था उसने उन्नीस में भारत की नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन की यद्य जनवरी उन्नीस में इंजीनियरिंग ब्रांच में कमीशन हासिल किया जबकि 2001 में भारतीय नेवल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ और फिर 2013 से रॉ के लिए काम कर रहा था और 2022 में रिटायर्ड होना था अपने एतराफी वीडियो बयान में कुलभूषण यादव ने कहा की कि 2004 और 2005 में उसने कराची के कई दौरे किए जिनका बुनियादी मकसद रॉ के लिए कुछ बुनियादी टास्क सर अंजाम देना थे जबकि वो दो में ईरान के रास्ते बलुचिस्तान में दाखिल हुआ जिसका मकसद फंडिंग लेने वाले बलोच अलहदगी पसंदों से मुलाकात करना थी कुलभूषण के मुताबिक बलुचिस्तान की अलहदगी पसंद तनजीमों की मतदीद कार्रवाई के पीछे रॉ का हाथ है जबकि तर्जुमान के मुताबिक कुलभूषण यादव गवादर में चीनी इंजीनियर्स के होटल आरोप बम धमाके मेहरान बेस हमले और सन है सफूरा गोट में भी रहा था इसका बुनियादी मकसद सी पैक का मनसूबा नाकाम बनाना था जिसके लिए इसने गवादर और गडानी का दौरा भी किया था अपनी तफ्तीश के दौरान कुलभूषण ने यह भी बताया था कि अगर आप भारत को गिरफ्तारी का बताना चाहते हैं तो उन्हें ये खुफिया कोड यानी मंकी इज वेदास बता दें वो समझ जाएंगे कि कौन गिरफ्तार हुआ है साहब इसके कानूनी नुकतों पर तो आगे जाके प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेकिन भारत की फिलफॉल जो स्टेटमेंट आई वो ये कह रहे हैं कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है दफ्तर खारजा उन्होंने रिहा करना था। जो मुखलिफ, आ, आ, पकड़े उनको रिहा करना था वो भी उन्होंने सिलसिला रोक छोटे छोटे तो मैं दोनों वाकियात के तनाज में सवाल ही पूछना चाह रहा हूँ कि अब इस फैसले के बाद पारा चढ़ेगा दोनों मामले के दरमियान देखिये पारा तो पहले ही बहुत चढ़ा हुआ है लेकिन मजीद भी चढ़ सकता है आ, ये जो फांसी की सजा दी गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह फांसी दे दी जाएगी हाँ ये भी है। आ, एक प्रोसेस है उसमें से एक सारा मामला गुजरेगा जहाँ जहाँ इसकी अपील की गुंजाइश होगी वहाँ अपील होगी फिर सदर मुमलकत के पास रहम की अपील भी हो सकती है तो मेरा ख्याल है कि यानी इससे जब फांसी होगी या अगर वो स्टेज आती है तो उसके भी असरात होंगे लेकिन आपको याद होगा कि भारत ने जो कश्मीरी रहनमा है अफजल गुरु बिल्कुल उनको फांसी पे लटकाया और इस तरह लटकाया कि उनकी खबर का निशान भी ना रहे और फिर इस तरह अजमल कसाब जो है उसको जो मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरी था उसको भी उन्होंने फांसी पे लटकाया तो ये यानी जब किसी मुल्क में जब कोई शख्स जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है या दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में गैर मुल्की तो इसको इसमें जहाँ तक मैंने समझा और देखा है और कानूनदान हजरात से बात की है इसको कोई गैर मुल्की गैर मुल्की कानून या कोई बैन अकवामी कानून डील नहीं करता कर ही नहीं सकता जिस जिस मुल्क में यह शख्स पकड़ा जाएगा उस मुल्क के कानून के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई कानून जो ऐसे चीजों को कैटर करता होगी जी जी फिर चलाया गया मिल्ट्री कोर्ट में नहीं ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया ज... गया मिलिट्री कोर्ट अलहदा से जो इन सदादे दहशत गर्दी के मामला को देखते हैं ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है ये

और ये भी मालूम नहीं हो सका कि उसको कौन सा वकील फराम किया गया है ये वो ये कहते हैं जरा कि पांच से छह माह ये इसमें कोर्ट मार्शल में इसके जो चला पांच से छह माह चला लीगल टीम भी एक दी गई लेकिन कानूनी नुकते कि कैसी होना चाहिए था बैन मतलब, कानून क्या कहता है देखिए चीज़ें कानूनी दुरुस्त होती हैं लेकिन हम क्योंकि बैनवा रामा जो है उसके सामने भी जवाबदेही करनी होती है तो जितना हद तक मुमकिन हो सके उस हद तक थोड़ा मामला को खुला रखना चाहिए इसी नुकते पर इसी नुकते पर बात करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजिन कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई है और आर्मी और सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा चलाया गया तर्जुमान पाक फौज ने उसकी तस्दीक की शाम साहब बात कर लेते हैं अब इसके अगले पहलू पर उससे मुराद मेरी है कि कानून क्या कहता है यानी अगर एक हाजिर सर्विस फौजी किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जाए तो फिर क्या कवानी होते हैं जिनके तहत उनका ट्रायल किया जाता है उस पर बात कर लेते हैं और उसके लिए हमें ज्वाइन किए मरूफ़ क़ानूनदान बिलखसूस जो बैन अवी कवानीन उनके माहिर हैं जनाब अहमद बिलाल सूफी साहब ने सामकम सूफ़ी साहब जी वाईकम् असल सूफी साहब ये बताइए कि ये जो मुकदमा चला है कलभूषण यादव पर यह इसी तरह चलना चाहिए था यानी ना किसी को ख़बर हुई कि मुकदमा चल रहा है ना उसका कोई वकील पेश हुआ शायद और ऐलान कर दिया गया कि उसको सजाए मौत दे दी गई है क्या कानून के तकाजे पूरे हो गए जी जो कानून आ, स्पाइज के लिए या वो लोग जो आ, पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट सेट की वाइलेशन करते हैं और जो गैर मुल्की होते हैं और पाकिस्तान में अनऑथराइज पाए जाते हैं जब भी वो पकड़े जाते हैं तो उसकी बुनियाद पर उनका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के नीचे किया जाता है स्पाइज का और उससे ये, ये मौजूद है कि उसके नीचे अहमद होंगे अहमद साहब क्या लाजिम है कि आर्मी एक्ट के तहत हो या एक ऑप्शनल है कि या आर्मी एक्ट के तहत हो या आप एंटी टेरिस्ट एक्ट के तहत कर सकते हैं जी ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लेकिन देखना ही होता है कि जो सबूत सामने आए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस हवाले से कौन सा केस बेहतर बन रहा है किस लॉ के जुरिस्टिक्शन बेहतर उस पर अप्लाई कर रही है और वो फैसला जो है वो हकूमत वक्त करती है और वो उसके बाद उस प्रोसिक्यूशन के रस्ते पर मामले को आगे गामजन कर दिया जाता है तो लगता यूँ है कि ये चीज़ सामने आई और जब आईएसपीआर की प्रेस रिलीज से भी डिस्क्लोज़र आता है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की, एक की सेक्शन तीन की वायलेशन और आर्मी एक्ट के नीचे ऑफेंसेस की वायलेशन की बुनियाद पर मुकदमा चला और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो सेक्शन थ्री है वो ये कहता है कि वेयर ऑफेंस कमिटेड इज इंटेंडेड और कैलकुलेटेड टू बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द इंटरेस्ट और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फॉरन पावर सो इसका मतलब ये अगर फॉरेन पावर के लिए कोई शख्स काम कर रहा है पाकिस्तान में तो गोया वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है यहाँ तो उससे बेहतर सूरत हाल यूं सामने आई कि जो शख्स पकड़ा गया जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करता हुआ पाया गया वो ख़ुद भी ग़ैर मुल्की बाशिंदा है उसी रियासत का सिटीज़न है ना सिर्फ सिटीज़न है बल्कि उसके अलावा ऑफिशल भी है सो so, अगर ये ऑफिशियल है तो फिर ये बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है और सिर्फ इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं महदूद रहता मामला बल्कि शायद उससे आगे भी बढ़ सकता है कि एक रियासत दूसरी रियासत के अंदरूनी मामलों में इंटरफेरेंस कर रही है लेकिन भारत ने तो ये बात तस्लीम नहीं की उसने कहा यह एक रिटायर्ड नेवी अफसर है और रिटायरमेंट के बाद कहीं जा बसा है या ईरान चला गया है तो वो इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते उन्होंने ये कहा कि हमारा ये हाजिर सर्विस अफसर नहीं है नेवी का जी आ, मैंने इसलिए कहा कि शायद शायद का मतलब ये है कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है मजीद शवाहद सामने आते हैं बिकॉज आई एस पी आर की प्रेस रिलीज इस वक्त ये कह रही है कि इसने कन्फेस्ट किया है या इसने अपने बाबत खुद करार जुर्म किया है और इस बात का भी यदा किया है कि इसको इंस्ट्रक्शन आई थी आ, गा, इंडियन गवर्नमेंट की साइड से और इंडियन गवर्नमेंट की मखसूस एजेंसीज के आ, की तरफ से अगर ये वाकई ऐसा है तो फिर ये उस जुमरे में आ जाता है जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ रियासत इन टू अनदर रियासत का भी इशू बन जाता है और साथ साथ इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू बन जाता है जिसके नीचे आपके पास आर्मी एक्ट के नीचे भी ट्रायल हो सकता है और जिस तरह आपने पहले कहा एंटी टेर्रजम एक्ट के नीचे भी ऑप्शन इसमें आ, 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 पाई जा सकती है तो क्या इसको अपील का हक हासिल होगा जो भी आर्मी एक्ट के नीचे सूरत हाल या जो भी उसके लीगल प्रोसेस अवेलेबल है उसमें जो रेमेडीज अवेलेबल हैं वो रेमेडीज इसको भी अवेलेबल होंगी बिकॉज़ आर्मी एक्ट के नीचे फील्ड कोर्ट मार्शल का एक पूरा प्रोसीजर है और मेरा ख्याल है गालिबा नाइनटीन फिफ्टी फोर के या फिफ्टी एट के रूल्स बने हुए बड़े तफसीली जिसमें जिस सब चीज़ें प्रोसीजरल चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से ये चलना है इसकी अपील कहाँ लायक करेगी कौन सा कानून अप्लाई करेगा कौन ट्राई करेगा कौन फील्ड कोर्ट मार्शल में बैठेगा और ये सारे के सारे रूल जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको अप्रूव भी किया है ना सिर्फ इस मिलिट्री कोर्स की जजमेंट में बल्कि इससे पहले भी सो अगर ये ये जो रूल्स हैं ये रिक्वायर करते हैं कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे उस ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को सो आ, जब तक ये रूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंट फॉर्म और उसमें जो भी रेमेडीज उसके लिए अवेलेबल हैं वो उसको हासिल होंगी देखिए इससे पहले जो दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए उनको सजाएं दी गई फौजी अदालत की तरफ से उनकी कई एक की सजाएं मुअत्तल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जागे? कोर्ट में तो क्या इसी वो भी आर्मी एक्ट के तहत चलाई गई थी फौजी अदालत में चलाई गई थी तो क्या इसको भी यह हक हासिल होगा जी जी शाम साहब उसमें हक यूँ हासिल है कि जो आर्मी एक्ट के नीचे जो प्रोसीजर्स हैं अगर उसमें से कोई प्रोसीजरल स्टेप कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या मिस हुआ है तो कोई भी शख्स हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल करके ये कह सकता है कि इसमें ये प्रोसीजरल स्टेप नहीं लिया गया और उसको कोर्ट उसको एग्ज़ामिन कर सकता है और आपने देखा कि मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट के बाद जो जजमेंट आई उसके अखीले पैरे में उन्होंने यही बात कही कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो एनिमीज ऑफ स्टेट को ट्राई कर सकते हैं उनको अच्छा। बाकायदा प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं मगर जो प्रोसीजरल गारंटीज़ हैं जो जो कानून में लिखी हुई हैं उनको वो ओवरलुक नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार समाप्त अच्छा। होगा आप ये बताइए कि जो सरबजीत सिंह का केस था जब सरबजीत सिंह को यहाँ पकड़ा गया और यह कहा गया कि उसने यहाँ धमाके कराए हैं और पाकिस्तानी सरजमीन पर एक भारतीय बाशिंदा था यहाँ पकड़ने के बाद उस पर जो मुकदमा चला वो आ, आर्मी एक्ट के तहत नहीं चला मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला और हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी आ, उसके मुकदमे की बात गश्त सुनाई देती रही तो ये दोनों में फ़र्क क्या था कि जो ये फैसला किया गया कि इसके मामले में कल्पोषण के मामले में यह आप मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं जाएंगे मेरा ख़्याल है शामी साहब वो हर केस के अपने मखसूस फैक्ट्स की बुनियाद पर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ये फैसला करती है बिकॉज़ आप एक केस को मुख्तु वेन्यूज़ में लेकर जा सकते हैं सो ये आपके पास चॉइस हुई जिस तरह एंटी टेररिज्म कोर्ट के नीचे जो केस बनता है तो उस वक्त भी ये ऑप्शन होती है कि उसको आम अदालत में लेके जाया जाए सेक्शन 302 का मुकदमा क़ायम कर दिया जाए बजाय सेक्शन सिक्स ऑफ एंटी टेर्रज़म एक्ट के हालाँकि बात वाक़ एग्जैक्टली वो होते हैं लेकिन ये चॉइस होती है गवर्नमेंट मशीनरी की वो पूरा तनाजर देखती है पूरे वाकयात देखती है और जब वो मतमिन होती है कि उसके पास उस नौत के शवाद बेहतर मौजूद हैं जो प्रोसिक्यूशन ऑप्शन वन को प्रीफर करते हैं या प्रोसिक्यूशन ऑप्शन टू को या प्रोसिक्यूशन ऑप्शन थ्री को वो फिर चॉइज़ करती है तो सरजीत के जो मुकदमा था उसके जो फैक्ट्स थे मेरे मुझे उनका मु, मुकम्मल इलम नहीं है लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ हमेशा अपना माइंड ज़रूर अप्लाई करती हैं ऑन द फैक्ट्स इन हैंड सो so, जब इस फैक्ट्स को माइंड अप्लाई किया गया होगा तो फिर ये फैसला किया गया होगा कि आर्मी एक्ट के ऑफेंसेस के बहुत मतलब बहुत प्रोसिक्यूशन नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा। ये एक बात ये बताइए मुझे कि जो अजमल कसाब का मुकदमा था जो इंडिया के मौकफ के मुताबिक एक पाकिस्तानी शहरी था और रंगे हाथों वहां पकड़ा गया मुंबई में मुंबई में उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो थी आम अदालत में हुई और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उसका केस पहुंचा और फिर उसे एग्जीक्यूट किया गया तो क्या ये मुनासिब बात ना होती कि जो भी कितना भी संगीन जुर्म क्यों ना हो आप उसे ज्यादा से ज्यादा खुली कार्रवाई करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने अपना मौकफ आ जाए और ऐसा मालूम हो कि इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए गए इंटरनेशनल भी फायदा होता शायद उसका जी आ, उसमें यह था कि अजमल कसाब वाले मामले में जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर था वो ये था कि अजमल कसाब किसी रियासत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था वो एक इंडिविजुअल नॉन स्टेट एक्टर का एक्ट अमल था दूसरा जो कसाब का इशू था उसमें सेक्शन 121 पाकिस्तान इंडियन पीनल कोड जो वेजिंग वॉर ऑन द स्टेट का चार्ज फ्रेम किया गया जबकि यहाँ पर सेक्शन थ्री का चार्ज फ्रेम किया गया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का तो चार्ज फ्रेमिंग प्रोविजन डिटर्मिन करती है जूरिस्टिक्शन को सो so, महज इसलिए कि ये ऑप्शन प्रोसिक्यूशन के पास थी इसकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसने एक ऑप्शन अवेल की है तो दूसरी ऑप्शन अवेल करनी चाहिए थी वो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की चॉइस होती हैं कि वो उनमें से कौन सी ऑप्शन को प्रेफर करती है ख़ासतौर पर जब इंडिविजुअल ऑफेंडर का ताल्लुक रियासत से ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है उसके शवाह ज़्यादा क्लियरली मिल रहे हों फिर तो इशू ये बन जाता है कि कोई रियासत तैयारी कर रही है टू वेज वॉर यानी उसने ऑथराइज़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर जाके ऐसी प्लान किया जाए ऐसी एक्टिविटी की जाए ऐसी फाइनेंसिंग और की जाए जिससे कि रियासत जो है वो डिस्टर्ब हो और जब वो डिस्टर्ब होगी तो उसका इफ़ेक्ट रियासत के इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन पर भी है बिकॉज जिस तरह के मैं आई एस पी आर की स्टेटमेंट पढ़ा था उसके आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि इसने इम्पीड किया एफ़र्ट्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फॉर रिस्टोरिंग पीस इन बलोचिस्तान एंड कराची सो इन अदर वर्ड्स अगर रियासत पाकिस्तान ये आर्ग्यू करती है कि जी हम तो कोशिश कर थे कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हम अमन को ले आए हम काउंटर कर लें को जो थी लेकिन कलभोषण जैसे लोगों की जो साजिशें हैं उसकी बुनियाद पर उसकी वजह से हमारा ये जो अमल था जो हम इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन की तरफ उसमें भी ऑब्सट्रक्शन आ रही थी ठीक है ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाँ अहमद आपने टाइम दिया सर ब्रेक भी हमें लेनी है लेकिन कुछ यूँ समझ आ रही है कि शायद ये क्योंकि सर्विंग ऑफिसर था और लगा ट्रायल करने वालों को कि इसका जो चार्ज है इसके ऊपर लगा वो ज्यादा संगीन नोयत का है, है। इसलिए फिर इस तरह ट्रायल किया गया है और मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम अपने मौकफ़ की तरजीद करें हमारा 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 मौकाफ है कि वो एक सर्विंग ऑफिसर था इंडिया का मौकाफ़ है एक रिटायर्ड शख्स था तो हम ये देखिए हम कोई जजीर में नहीं रहते तो हमें ज्यादा से ज्यादा आ, एक लोग राय रया को मुतमिन करने की कोशिश करनी चाहिए जो अजमल कसाब था हमारा बारे में और है इंडिया का मौकफ यह था कि वो पाकिस्तान का शहरी है यहां से गया था और एक ऐसे ग्रोह के साथ था जिसने वहां एक क्यामत एक बर्पा की थी मुंबई इसके बावजूद उसका जो मुकदमा था वो अदालत में चला और, और लोगों को मालूम हुआ मीडिया में आया उसका ट्रायल रिपोर्ट किया जाता था ट्रायल रिपोर्ट हुआ और उसको फिर एग्जीक्यूट किया गया तो पूरी दुनिया के सामने एक उनका मौकफ भी आ गया अजमल कसाब का भी आ गया और हमारा भी आ गया चले एक ब्रेक ले लेते हैं नाजिम मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सर ये क्या कहा जा रहा है हमारे एक दोस्त अमेरिका से पढ़ के आए हैं कानून तो वो भी यही कह रहे हैं कि रहमान अजहर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अच्छा। है वो ये फरमा रहे हैं मगर कानून प्रैक्टिस नहीं करते कानून प्रैक्टिस नहीं करते सहाफत करते हैं हाँ जी। वो कहते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनका तस्वुर और जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है इसका तस्वर अमरीका में भी मौजूद है रूस के जो स्पाइस पकड़े जाते थे जासूस उनके साथ भी यही तरीकाकार होता था और तो और जो उनका अपना फौजी था वो ब्रैडली मैनिंग एसपेनौज यानी जासूसी के इल्जाम में जो पकड़ा गया उसके साथ भी यही हुआ हालांकि आवाजें ये उठाई गई कि ट्रायल पब्लिक किया जाए लेकिन वो नहीं किया जा सकता फौजियों के साथ तो जो या जो अपने लोग जो है उनके साथ तो जो काम जो जिस तरह भी बरता जाए कुछ दूसरे का मामला तो नहीं होता ना बिल्कुल तो तो दाखिली मामला है ना दूसरा ये कि इसमें सर ये यानी जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है ये तो हो गया छः माह का ट्रायल उसमें सजा भी सामने आ गई अब होगा ये कि एक और मिलिट्री एपलेट कोर्ट बन सकता है अगर ये अपील में जाते हैं उसमें भी एक मेजर जनरल या दो ब्रिगेडियर्स के उहदेदार हो सकते हैं हमें ज़राए बता रहे हैं वहाँ से भी जब मामला रिजेक्ट होगा तो कोई ऑप्शन निकलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की और फिर सदर ममलिक तक जहरी बातें बात चली जाती है तो जो आप पहले फरमा रहे थे प्रोग्राम के शुरू में कि ये कोई सजाए मौत होगी इसका मतलब ये नहीं कि आज होगी कल होगी लेकिन सर ये अनयूजल नहीं है खासा अमूमी तौर पर जो हमने देखा रूस और अमरीका के दरमियान वो तो जासूसों को रखते थे अपने पास और लेन देन किया करते थे एक छोड़ा उसके बदले दो और ले लिए या जब दो तरफा मुसाकरत होते हैं तो टेबल पर उनकी गुफ्तु आती है उसके बदले में कुछ और गेन कर लिया देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मामला तो बिल्कुल मुख्तफ रोइ के हैं कभी तो एक दूसरे के साथ खून माफ हो जाते हैं और कभी मच्छर का हिसाब भी होता है तो लेकिन महाराज ये जो मामला हुआ है अब एक काफ़ी ठोस सबूत मौजूद है न उनका तो कलभूषण के खिलाफ लेकिन अब आगे किस तरीके से मामला चलते हैं और ये इंडिया और पाकिस्तान के जो मजमुई ता, ताल्लुक हैं उन पर डिपेंड करेगा अगर वैसे वैसेफाक़ कह लें हादसा कह लें या एक कुछ और कह लें ये जो हमारे लेफ्टिनट कर्नल रिटायर्ड हैं हबीब साहब जो नेपाल गए थे नौकरी की तलाश में और एक वेबसाइट के जरिए ये मार्क थोमस नामी साहब थे बरतानिया के जिनके साथ रबे में थे और नौकरी की तलाश में वहाँ पहुँचे जिस शहर में गए वो भारतीय सरहद के बिल्कुल करीब और वहाँ से लापता हो गया छः अप्रैल को उनका आखिरी रब्ता उनके बेटे ने जो एफ़ आई आर दर्ज करवाई है मोहम्मद साद हबीब उनके जो साहबजादे हैं उनने शुबह ये जाहिर किया अपने एफ आई आर में कि उनके वालद को मुल्क दुश्मन नासिर ने अगुवा किया है तो कुछ उंगली उठती है इस तल्लु की असल में उनको तो जाल में भी फंसाया जा सकता है ना कि आप ये जो गुस्सा उतारने के लिए या एक इंतकाम लेने के लिए आप एक जाल बिछाएं और उसमें किसी शख्स को फंसा लें और फिर अगवा कर लें ये नेपाल कुछाद? जो है नेपाल तो यानी इंडिया सेंटर्ड है बिल्कुल सेंटर्ड है और इंडिया के अंदर इंडिया का, का काफी इन्फ्लुएंस है उसका बहुत ज्यादा और बहुत से ऐसे काम वहाँ हो सकते हैं नेपाल की हुकूमत का को जिसका पता भी न चले तो ये मुमकिन है लेकिन देखिए इंडिया जो कहता है कि ईरान से ये अगवा किया ईरान में ये मुमकिन नहीं है ईरान कई का जो नज़मन नस्का है वो इतना चौकस है और उनकी उनकी रियासत इतनी ताकतवर है और मजबूत है उनके अदारे इंटेलिजेंस के इतने मजबूत है कि ये मुमकिन नहीं है कि ईरान के किसी शहर से आप किसी को अगवा कर लें और पाकिस्तान ले आए नहीं ये तो माश्किल तो जब पाकिस्तान आया होगा आ, नहीं वो वो जाली शराख पर वो भी तो सुनिए ना जुमला वो माश्किल जब पहुंचे गाड़ी काफले के जरिए आ रहे थे उनके मुकामी हैंडलर भी तो जब वो माश्किल से आगे आए तो आगे दोस्त खड़े थे उन्होंने कहा जी रुक जाइए हम आपका इस्तेमाल करते हैं आ, तो जैसे ये रुके कुलभूषण यादव तो उतरते इन्होंने कहा कि ओके यू घाट में बंदर आ गया नहीं खुद कहा हाथ खड़े उनके यू घाट में मेरा नाम ये तो, वो, वो तो फिर बहुत सूरत हाल बिल्कुल और है ना मुशाद ये, सब ये कह रहे हैं कि जी, आ, कब फांसी दी जाएगी और पार्लियामेंट में इसको आ, वजाहत की जाए कि मामला हुआ क्या सरताज ये सब का बयान आया कि जी पूरे कानूनी तकाजे हमने पूरे किए तो पार्लियमान ले जाना वहाँ पे इस मामले पर लेके आना वजाहत तो करनी पड़ेगी पड़ेगी तफसील भी बयान करनी पड़ेगी ये तो पार्लियामेंट का फायदा है ना अब किसी को नागवार गुजरे आ, या नहीं वो नगोर गुजरना भी नहीं चाहिए जब एक वाकयात की तफसील जो है वो बयान कर देनी चाहिए पूरी तफसील के साथ बिल्कुल ठीक है नाजिन एक ब्रेक हम ले रहे हैं हाँ, और ब्रेक के बाद जी वजी वजी दफा जो है हाँ मैं कल ये काम कर सकते हैं बिल्कुल ठीक आज उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही है टी चैनल हाँ पर वो भी इसकी हक में थे इसी हमारे में थे एक ब्रेक लेते हैं वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरें वेलकम बैक नाज़िम शाम साहब को नैब के हवाले से एक नुक्ता है जो ये हबीब اکرم साहब ने ये एक नुक्ता भिजवाया है नैब के हवाले से हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है ना उसके हवाले से हु, वो क्या है जी क्योंकि उसमें उसका जो वो था ना रेफरेंस हुँ. वो हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया था हुँ. अब मुकदमे की कार्रवाई के दौरान जज हजरत ने इस पर बड़ा बरमी का आधार किया चेयरमैन नैब पर कि आपने इसकी अपील क्यों नहीं की वाले की हाँ जी हालांकि नायब के, के चेयरमैन का यह इस्ते है कि अपना माइंड अप्लाई करके और सोचे कि ये अपील करना वक्त का पैसे का ज्यादा है या नहीं है तो उन्होंने सोचा कि ये नहीं है अब अभी बकरम साहब ने उनका अपना प्रोग्राम जो है वो तो आ जाए नहीं तो ये नुकता भेजा उन्होंने कहा जी ये नशर हो जाना चाहिए आज ठीक है बड़ा जरूरी है हो सकता है दूर दूर उसकी सदा पहुंच जाए अच्छा अब मसला ये है कि जब ये, ये आ, पेपर मिलकर जब रेफरेंस फाइल हुआ की तरफ से तो इसके इसके जो इसकी शरीफ फैमिली की तरफ से हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई जिसमें कहा गया कि ये काबिल समाप्त नहीं है इसे क्वेश कर दिया जाए अब दो मेंबर जो थे बेंच के डिवीजन बेंच डिवीजन बेंच उसमें इसकी समाप्त हुई अच्छा अब यह फैसला हुआ कि इसको क्वैश कर दिया जाए मुतफिका फैसला मुतफिक लेकिन इख्तलाफ किस बात पर था एक जज का यह ख्याल था कि क्वैश होने के बाद नैब री इन्वेस्टिगेट कर सकती है जब चाहे नहीं अगर नहीं जब चाहे नहीं अभी अच्छा अभी जब चाहे और दूसरे का ख्याल था कि नहीं जब क्वैच कर दिया गया

प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैप, नैप के के, के, के आगा थे जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जज हैं जज हैं बिल्कुल अब ये मामला उनके सामने आया तो चेयरमैन उन्होंने ये और चेयरमैन स्ट्रेटजी पर पहुंचे उनके मशवरे के साथ कि भाई ये एक तो इसके एक फरीक जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके मेयर शरीफ साहब और दूसरा ये है कि ये उनको प्रोसिक्यूटर जनरल की राय ये थी कि हमें इस मुकदमे से कुछ नहीं निकलने वाला इसमें वक्त जाया होगा और इसमें पैसा भी जाया होगा नैप का इसलिए आप इसको यहां खत्म कर दें और ये जो नैप के ऊपर الزام ना लगे री इन्वेस्टिगेशन से कि ये कोई विक्टिमाइजेशन कर रही है अब जब ये नुक्ता उनके सामने आया और इस पर गौर किया तो उन्होंने कहा कि हमें इसको री इन्वेस्टिगेशन में जाने की जरूरत नहीं है और इसके लिए अपील करने की जरूरत नहीं है तो उन्होंने कहा जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसके साथ में एग्री करता हूं लैब के चेयरमैन उनकी राय के साथ एग्री करते हुए अपील ना करने का फैसला किया उनका वर्थ वाइल नहीं है। अब ये जो है ये कानूनी तौर पर इतनी पोजीशन मजबूत है और जो इस मुल्क का सेटल लॉ है और अदालतों के फैसले हैं कि आप ना तो चेयरमैन नैब को इसमें कोई यानी मुल्जम करार, को करार दे सकते हैं खुदा ना खास्ता और ना उनके फैसले को कलाजम करार दे सकते हैं

क्या था मामला बिल्कुल ठीक अच्छा सर इमामिया काबा तशीफ लाए और जो सदसल तकरीबात थी जेयूएएफए की उस बड़ा जलसा था वो मैंने खुद देखा देखिए एक जमीयतुल माय इस्लाम का वो जलसा नहीं था बड़ा कन्वेंशन था और 100 साल उनका जमीयतुल माय सतसला इस्तेमाल कह लेते हैं कायम हुए देखा 1909 में कायम हुई थी 190 1917 17 नहीं 19 में 19 में अच्छा और अब दो, यानी दतरा में ही उन्होंने सत्य जश्न मनाया मैं जश्न मनाया सौ साल ये कमरी एतबार थे अच्छा। चांद के महीने के एतबार थे सौ साल हो गए तो अब इस पर तो गौर करेंगे ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट उसने छोड़ा है और मौलाना रहमान की और बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने फिर वारियत से और मा, मावरा होकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मोर्चा लगाया और उनकी उनकी बात दूर दूर तक पहुंची उसमें तमाम मसालिक के लोग थे शिया थे बरेलवी थे सुन्नी थे हनफी थे सब थे और तमाम सियासी जमातें जो थी उनके रहनमा मदऊ थे उन्होंने खिताब भी किया खुर्शीद साहब ने जर्मल सेनेट थे, थे ने राजा जफरलहक ने बस कहते हैं कि दो अफराद नहीं थे अच्छा एक तो इमरान खान साहब और एक उनके उसद हैं मौलाना के मौलाना समय अच्छा अकूड़ा वाले अकूड़ा खटक हाँ। वाले क्योंकि अपनी जमात जमीत बनाई हुई है अब इमाम काबा यहाँ आए तो इमाम काबा जो है उन्होंने हाँ जी उन्होंने वहाँ नमाजें पढ़ाई एक नया वलवला फूका और आलम इस्लाम मुसलमानों को झोड़ा और दहशत गर्दी के खिलाफ उनको आवाज़ दी फिर उसके बाद इस्लामाबाद गए वज़ीर आज़म से मिले सदर मुमलकत से मिले फिर लाहौर आए यहाँ जनाब मित हजीज़ के इस्तवाले में गए बादशाही मस्जिद में गए मौलाना ख़बीर आज़ाद जो हैं उन्होंने उनके एजाज में अशाइया दिया मुख और मनसूरा गए कहीं फजर की नमाज पढ़ाई कहीं इशाक़ की पढ़ाई कहीं जोर की पढ़ाई और उसमें उनके साथ हर मसलक के लोग वहां मौजूद थे मौलाना राघिब जो है नहीं 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 नहीं। वो भी मौजूद थे पीर एजाज लाजमी थे वो भी मौजूद थे और मौलाना फजल रहीम साहब प्रोफेसर सईद साहब और तमाम लोग और आप देखें कि जो वजीर अल के साथ उनकी नशस्त थी एक मुख्तसर से नशस्त थी उनकी रहायश गाह पर और एक छोटी सी मस्जिद है वजीर अल की रहायश गाह पर ही और उसी में उन्होंने असर की नमाज पढ़ाई और वहाँ मुझे भी सहादत हासिल हुई कि उनकी इकतदा में नमाज अदा करो तो उनसे जो गुफ्तु हुई उसमें एक तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को बड़ा बड़ी मोहब्बत का आज़ार किया उनके साथ कहा जब ये वहाँ थे और जिस तरह हरम में आते थे उस वक्त से उनसे एक ताल्लुक था और मैं उनको देखता था और फिर कहा यह हमारा असा है और उनके लिए दुआ की कि रहमत और बरकत उन पर नाजिल करे अल्लाह ताली और ये कहा ये पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उनको पता लग चुका है कि कौन उनका खादिम है और कौन उनका खादिम नहीं है और फिर बड़ी दिलचस्प बात की उनका मैं लाहौर में आके मैंने देखा है कि लाहौर को एक नया शहर बना दिया गया उन्होंने कहा पुराने नए शहर बनाना और तामीर करना आसान है लेकिन पुराने शहर को नया बनाना उसकी तजीनों आरज करना बहुत मुश्किल मुश्किल होता है और बड़ी दाद दी और उसके साथ देखिए ईरान के मामले में भी उन्होंने मैंने एक सवाल किया उनसे और राही शरीफ साहब के बारे में भी सवाल हुआ आरिफ नदामी साहब ने भी सवाल किए वो भी थे हमारे सुहेल वराज साहब भी थे हाँ। और उन्होंने कहा कि एरा, हमारा ईरान से कोई शिया सुन्नी तनाजा नहीं है सऊदी अरब में सुन्नी मौजूद है शिया हैं बहरान में सुन्नी है शिया है हर मुल्क में और सुन्नी शिया झगड़ा नहीं है ईरान से ईरान से हमारा जो मामला है वो इख्तलाफी सियासी इख्तलाफ है और हमें अपने जो मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है उसके हवाले से शिकायतें हैं और ये हम अपने तरीके से बातचीत से तय करने को तैयार हैं। बिल्कुल और फिर ये भी कहा कि राहील शरीफ साहब जो है भाई उनको अगर मुंतब किया गया है तो पाकिस्तानियों के लिए एजाज की बात है हाँ। वो छियालीस रुकनी इतहाद के सरबरा होंगे अच्छा छियालीस हो गए हाँ जा रहा था बयालीस बयालीस चलो तो उन, उनका यार इनका आप ये सवाल जो पूछा जाता है हुँ. कि वो किसका हुक्म लेंगे भाई वो कमांडर होंगे हाँ. वो हुक्म देने वाले होंगे वो हुक्म लेने वाले नहीं होंगे के खुद सरबरा होंगे हाँ जी खुद सरबरा होंगे और ये ना ये किसी मुल्क की डिक्टेशन लेंगे नहीं ना किसी मुल्क की मुखालफत के लिए बन रहा है और ना किसी मुल्क की मसलहत के लिए बन रहा है ठीक है ये एक वसीतर इतहाद है।, है और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि फिर वारियत को हम खत्म करना चाहते हैं शिया और सुन्नी बराबर के मुसलमान हैं और हम इसमें कोई तफरीक नहीं करते इख्तलाफ एक, एक और चीज है और ये जो अगर इसमें यह बात निकलती है कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी सियासी इख्तलाफात हैं वो कम से कम हो जाए बिल्कुल ठीक है और हालात जो हैं मामूल के नार 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 अच्छा, अच्छा सर आ, वक्त भी खत्म हो गया एक कॉलर है हमारे साथ अशफाक साहब कराची से और वसीम साहब इस्लामा से सबसे पहले करिए जनाब मुक्सर क्या सवाल है आपका सर वैसे इमाम के उस्ताद एक पाकिस्तान वाले से जी वो कहते मैं उनसे मिलने आया था मगर वो उम्र के लिए पहले जा चुके थे अच्छा ठीक है जी अशफाक साहब कहिएगा क्या सवाल है आपका सर मेरा कुलभूषण यादव के हवाले से है जी फरमाइए जब उनको दे दी फांसी से परसला ने साइन कर दिए तो अब उसको ये कुछ हल्के क्यों हुजूर है भाई कोई फांसी नहीं दी सजा दी है अभी सज़ाए मौत का ऐलान हुआ है जज्बाती को होते हैं अभी अभी ऐलान हुआ है जनाब अभी ऐलान हुआ है ऐलान हुआ है कि तौसीफ की आर्मी चीफ ने उस जो सज़ा सुनाई वसीम साहब ने जी अब इस्लामाबाद जी वसीम साहब के एक वफाक से आप चलिए वसीम साहब की लाइन कट गी गी के लाइन है। गई है लाइन कट गई है <laughs> और आपके दरम्यान लाइन कट गई है <laughs> और... और हमारी और नाज़िन की लाइन भी कटने का दफ्तान पहुंचा हमें इजाजत लेनी है जी कल आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज